मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं मुंबई स्टार न्यूज। मतलब ये मुझे अभी पता चला जब ये बात उठी कि सेम एज के लोगों ने क्यों नहीं किया, यंगर लड़कियों को क्यों लेना था। मेरा तो आर्गुमेंट ये था कि आप लोग मुझसे तब तो नहीं पूछा जब आपने, मैं 30 साल की हूँ और मैं कॉलेज का कैरेक्टर करती हूँ, तब तो नहीं पूछता कोई कि आप कॉलेज के बच्चों को क्यों नहीं लेते कॉलेज का रोल करने के लिए, बड़े लोगों को क्यों लेते हैं। 50-50 साल की उम्र में लोग कॉलेज का रोल करते हैं तब तो सब ठीक रहता है, बट अब अगर कम उम्र के लोग ज़्यादा उम्र के लोगों का रोल करें तो उसमें लोगों को क्यों आपत्ति आती है मुझे समझ में नहीं आता। बट चलो, ये इसके लिए मतलब मेरा तो रीज़न ये था, बट आई गॉट टू नो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स लेटर ऑन दैट एक्चुअली अ लॉट ऑफ अदर एक्ट्रेसेस हु आर क्लोजर टू दैट एज हैड रिफ्यूज टू डू द फिल्म। नहीं, मैं तो गई थी ये पिक्चर करने आगे से, मैं तो ढूंढती हुई गई थी कि मुझे एक ऐसी पिक्चर चाहिए जिसके अंदर दो हीरोइनें हों या इस तरह का चैलेंजिंग कुछ रोल हो जो मैंने अभी तक किया ना हो। और ये जब सुनाई मुझे सुनने को मिला तो मैंने तो एक मिनट में हाँ कर दी थी। Whose wedding is it? लग रहा है मुझे अभी है। प्रोड्यूसर, हाँ डेब्यू। अरे आई थिंक दे हैव रियली स्पॉइल्ड मी। This is not done. This is meet my producer. Hi. Where's the director? I don't know. He is absconding. Even I'm trying to find him. हाँ, so yeah, I mean, हमारा बहुत अच्छा experience है, इसलिए party हो रही है कि we have finally gotten done with it happily. हम सारे मिलेंगे picture खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा experience है एक दूसरे के साथ। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल नहीं थे सेट पे, ये 4 दिन आए पूरे टाइम सेट पे, इनको काफी बारी बुलाया गया
काफी बारी बुलाया गया, काफी बारी बुलाया गया इनको, ये सेट पे नहीं आए, डिसाइड करके पीला पीला पहना, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट इनको काफी बार बुलाया गया, इन्होंने बिल्कुल प्रोड्यूसर की जो भूमिका थी वो दूर से फोन पे निभाई है और बिल्कुल सेट पे ना आके गेम्स भी करना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा काम है इनको, इंडस्ट्री के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंधों के ऊपर है। अब ये बात करेंगे, ये जब बात करते बाकी कोई और बात नहीं करता। चलो, इस डायरेक्टर के लिए नहीं, इस रोल के लिए, इस उम्र के लिए, इस उम्र के लिए। हाँ, मैंने नहीं, किसी को नहीं मनाया है, तुषार की स्क्रिप्ट ने मनाया इनको, मेरे को तो फोन भी नहीं करना पड़ा। वो हमारे जो ये है, ये इनका नाम लिखा है तुषार हीरानंदानी, ये और इनके जो राइटर जो हैं उन्होंने जो मिलके जो स्क्रिप्ट लिखी थी और उनका जो नरेशन है उसने सबको मनाया। हाँ, उसने मुझे भी मनाया। मन या तो 100 साल का होता है या 2 साल का होता है। चंचल मन है, चंचल मन। मैं तो 2-5 में रहता हूँ या 100 में रहता हूँ। इनका चंचल मन है, चंचल। कितना प्रेशर? यार प्रेशर तो हर चीज में होता है, मैं तो प्रेशर सुबह से उठते ही आ जाता था। आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस फर्दर कन्वर्सेशन। मैं तो रोज प्रेशर होता है, हर चीज में होता है, मतलब अब क्या बताऊं, हर फिल्म पे, हर काम पे, मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, रोज काम करता हूँ, 26 साल हो गए काम करते करते, मैं तो रुका ही नहीं हूँ आज तक। अभी तक काम मिल रहा है आपको, कितना अच्छी बात है, कितने अच्छी। मैं तो हर दिन काम करता हूँ 26 साल। अरे चल रहे चल रहे चल रहे, बताएंगे नेटफ्लिक्स वाले बताएंगे, उनके ऊपर है बताना, मेरे हाथ में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा उनके साथ है, वो बताएंगे। मैं ये बता देता हूँ, ये दिवाली पे आ रही है, ये पहला फेस्टिवल, मैं मेरी फिल्म हमेशा कान फेस्टिवल जाती है, इधर उधर फेस्टिवल जाती है, पहली फिल्म है जो दिवाली फेस्टिवल पे आई। मेरा पॉलिटिकल व्यू के बारे में जो कहना है मैं खुद ही कहूँगा ट्विटर पे, मैं मीडिया के सामने नहीं कहता। जी मैं काम कर रही हूँ, सारा वर्किंग डे, तो फटाफट चेंज करके देन आई रीच। डिफरेंस मतलब मैंने यही देखा है कि मज़ा आता है जब आप इंटरेस्टिंग काम करते हैं, इंटरेस्टिंग किरदार करते हैं। ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आई थिंक तापसी एंड फॉर मी बोथ, वी हैव नेवर प्लेड, मतलब हम लिटरली डबल आर एज ऐसे किरदार प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी छोड़ी है हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है, उन्होंने लिटरली अपने इकोसिस्टम को चेंज किया। तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेफिनेटली, बट आई थिंक चैलेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम रिस्पॉन्सिबली और बहुत प्यार से इन दोनों दादियों की कहानी बता पाए, एंड बहुत मज़ा आया। इट्स वेरी 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 क्लोज टू मी। जी जहन में आता है कि आई होप मेरे डायरेक्टर खुश है हमारी लुक से और हमारे काम से। रोज़ जब मैं तैयार होती थी लिटरली यही रहता था मेरे दिमाग में कि आई होप आज काम अच्छा जाए। बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है जैसा मैंने पहले भी कहा, तो इस फिल्म में ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो सकता था, वी बोथ हैड टू गो लाइक बियॉन्ड। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि आज हम दिन में क्या करेंगे, कि सेट पे इतना मजा करते थे हम, क्वेश्चन ही नहीं समझ सर जवान, मतलब ये तो किरदार कर रहे हैं, ये तो कैरेक्टर कर रहे हैं यार। आई थिंक कॉम्पिटिशन की बात नहीं है, आजकल हर टाइप के एक्टर के लिए देयर इज अ स्पेस। आज इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आई थिंक वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर्स वर्क, और हम सब चाहते हैं कि हमारी फिल्में अच्छा करें, हमारे काम को अप्रिसिएशन मिले। सो आई थिंक जितने भी मेरे कलीग्स हैं दे आर ऑल सो कॉम्पिटेंट एंड ब्रिलियंट दैट आई गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई लुक एट देम। दिवाली को बम फूटेंगे, बम गोलियां चलेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू वेरी वेरी प्राउड. बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम करती है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. यू आर पुटिंग हर इन अ स्पॉट ईच एंड एवरीथिंग ऑल थ्री फोर फिल्म्स व्हाटएवर फाइव फिल्म्स शी हैज डन और पांचों की पांचों बहुत अच्छी है. मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कौन सी को पहला को कौन सी को दूसरा. समीक्षा जी आप बताइए कि आपकी सिस्टर के बारे में. मुझे भूमि के मैं बहुत अमेजिंग लगता है, बट मेरी एक्चुअली एक फेवरेट फिल्म है जो मैं बोलना चाहूँगी वो है दम लगा के हईशा. मुझे बहुत पसंद आती है उनकी वो मूवी. आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ आर्ट एंड यस आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एवरीथिंग दैट शी इज डन. तो हम आपको भी देखेंगे फिल्मी दुनिया में आएगा जी. नहीं मैं वकील हूँ. जरूर कभी सांड की आग मींस बुल जाए जो हमारी पिक्चर से बहुत मिलता है क्योंकि हमारी पिक्चर इज अबाउट शूटिंग और बुल जाए से बेटर टाइटल सांड की आग से बेटर टाइटल मिल ही नहीं सकता था हमको. एंड वी रियली लाइक द वे सांड की आग साउंड्स तो इसलिए हमने सांड की आग टाइटल हमारे डायलॉग में आता था. हमारे डायलॉग राइटर ने सांड की आग में लिखा था डायलॉग जगदीप करके उनसे मुझे टाइटल मेरा डायलॉग में था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वर्ड सांड की आग भूल जाए इसलिए हमने वो टाइटल बनाया. बहुत अच्छा रहा यार सबके साथ काम करके इतना मज़ा आया. पता ही नहीं चला कि 70 दिन हमने कंटिन्यू शूटिंग किया पर पता ही नहीं चला कि 70 दिन कब खत्म हो गए. इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तापसी भूमि दोनों इतने अच्छे एक्ट्रेसेस हैं. हमेशा एक तापसी बोलती रहती है हम लिमिटेड एक्ट्रेस पर जैसा कैमरा चालू हो जाता है अनलिमिटेड है वो तो कुछ लिमिट ही नहीं है उसका पूरा एकदम बिंदास हो जाती है. सेम भूमि बोलती है रोज बोलेगी कैमरा के पहले आई एम वेरी नर्वस आई एम नॉट कॉन्फिडेंट और जैसा ऑन एक्शन होता है पूरा टेक ऐसा देती है जैसा कुछ पता ही मतलब आउटस्टैंडिंग है. तो बहुत इतना मज़ा आया सब मुझे प्रकाश जी से बहुत मज़ा आया. बहुत लोग ने मुझे डराया था कि प्रकाश जी बहुत स्ट्रिक्ट है ये है पर उनके जैसा जेंटलमैन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. इतना मज़ा आया उनसे काम करने. इनफैक्ट वो डायरेक्टर है इतने बड़े काफ़ी कुछ सीखने भी मिला मुझे जब मैं डायरेक्ट कर रहा था उनको. बहुत मज़ा आया. विनीत के साथ भी इतने अच्छे एक्टर हैं. इनफैक्ट ऑल द एक्टर्स हमने जो लिए काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टिंग कास्ट किया है. कास्टिंग बहुत अच्छा किया था गौतम ने. गौतम का कास्टिंग इतना अच्छा कि काफ़ी नए लोगों को लिया पर इतना मज़ा आया सबके काम करने. स्पेशली डायलेक्ट इतना डायलेक्ट जो था हमारा बहुत मज़ा आया काम करने. क्या समझना है यार ग्रैंड मस्ती भी एक पिक्चर है अन्य चोन कमर्शियल पिक्चर है ये भी मैंने कमर्शियली बनाया है. सांड की आग इज़ अ वेरी कमर्शियल फिल्म. जब आप लोग देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कमर्शियल पिक्चर है. आज जैसा बोल रहे टाइटल अलग है कमर्शियल टाइटल है सांड की आग. नॉट ऑल पैन इंडिया अक्रॉस सबको बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को मज़ा आ रहा है. सो इट्स अ कमर्शियल हमने पूरा कमर्शियल पिक्चर बनाया. मैं हमेशा कमर्शियल फिल्म ही लिखता आया हूँ और कमर्शियल फिल्म ही बनाऊंगा तो ये भी कमर्शियल फिल्म ही है. ऐसा कुछ हाँ रियलिस्टिक है बिकॉज इट्स अ बायोपिक बट द वे वी हैव ट्रीटेड दिस फिल्म वी मेड इट लाइक फुल कमर्शियल फिल्म. वेदर इट्स म्यूजिक कास्टिंग डायलॉग्स एवरीथिंग इज कमर्शियल अबाउट दिस फिल्म. यार मैं इस इंडस्ट्री में सब एक्टर्स के पास गया इस रोल के लिए बट ये आई ऑलवेज वॉन्ट टू से दैट ओनली तापसी एंड भूमि हैड द बॉल्स टू डू दिस फिल्म. They were the only two heroines who had the guts to do this film and the only two women with balls to do this film. They were the two girls who said yes immediately when they heard the script. ऐसा कोई किसी ने मुझे ना नहीं बोला स्क्रिप्ट सुन के सबको अच्छा लगा था. बट ऑब्वियसली बिकॉज बुड्ढा बनना इज नॉट ईजी दस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दे पुट इन मेकअप एवरी डे थ्री आवर्स डायलैग शूटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वो पुट इन टू दिस फिल्म. सो सब ने ये दोनों लड़की ने इंस्टेंटली हाँ बोला एंड आई एम सो लकी. इससे बेटर कॉम्बिनेशन मुझे मिल ही नहीं सकता. आप लोग मेरे को पूछ रहे थे हीरोइन कौन है हीरो सबसे बड़ा हीरो ये है मेरा पिक्चर का मेरा कैमरामैन सुधाकर रेड्डी. एक ही बार ये आदमी अगर नहीं होता ये पिक्चर नहीं बनता. ये सबसे बड़ा हीरो हमारे पिक्चर का ये है मिस्टर सुधाकर रेड्डी. आई लव इट पिक्चर बनाया 50 दिनों में बहुत बढ़िया काम. थैंक यू सर. चीयर्स चीयर्स. ऐसे ही बॉलीवुड के ढेर सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए खबरों का संसार मुंबई स्टार. और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.